नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ डाइटिशियन हरप्रीत। आज का वीडियो है हमारा वेट लॉस के बारे में तो है ही, और साथ में है आपका जो स्टबन बेली फैट होता है, जो हमारा बेली, हमारा स्टमक, हमारा पेट जो लटका हुआ हो जाता है या ब्लोटेड हो जाता है, या फिर पेट की पूरी बॉडी तो शेप में होती है बट सिर्फ आगे से पेट जो होता है वो आगे बैलून की तरह फूला हुआ होता है, ठीक है। सो आज का जो डाइट प्लान है वो मैं लेके आई हूँ हमारी बेली फैट के लिए। सबसे पहले तो आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि हम लोग घर का खाना खाते हैं, पानी भी अच्छा पीते हैं, फिर भी हमारा स्टमक क्यों नहीं कम होता, हम तो अच्छी डाइट ले रहे हैं। बिल्कुल आप लोग डाइट अच्छी ले रहे हो, बट होता क्या है कि हम लोग ऐसी कुछ मिस्टेक्स करते हैं जो कि हेल्दी डाइट होने के बावजूद भी आपके स्टमक को फ्लैट नहीं होने देती, आपके वेट को कम नहीं होने देती, ठीक है। कभी कभी हमारा जो वेट होता है वो एकदम से स्टक हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर, उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे रीजंस के बारे में। जो हमारा बेली वाला जो एरिया होता है उसका जो फैट होता है, उसका जो बलून की तरह फूलने का क्या रीज़न हो सकता है, सबसे पहले उसका रीज़न आता है आपका ब्रेकफास्ट। क्योंकि कभी कभी होता है कि बहुत जल्दी है, अगर आप वर्किंग हो, स्कूल कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, तो कभी कभी हम जल्दी के कारण ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते, ठीक है, या फिर कुछ भी एक एप्पल वगैरह उठाया हाथ में फटाफट खाते हुए हम चले गए, ठीक है। सो वो इनफ नहीं होता और वो एक अच्छा तरीका नहीं होता ब्रेकफास्ट करने का। और अगर आप घर पे भी हो, हाउसवाइफ हो या घर से भी वर्क कर रहे हो, तो भी हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के सबसे पहले हम लोग घर का काम शुरू करते हैं, उसके बाद हम लोग बच्चों का टिफ़िन बनाना, घर वालों का टिफ़िन बनाना, मतलब घर वालों के लिए खाना बनाना, हस्बैंड को भेजना, बच्चों को भेजना, इन सब काम में ही हमें सुबह से 5 या 6 बजे से उठे उठे हमें 10 या 11 बज जाते हैं, हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो नहीं होता, वो एक तरह से स्किप होने के बराबर ही हो जाता है। क्योंकि 11 बजे का जो टाइम होता है ना, वो आपका मिड मॉर्निंग का हो जाता है, उस टाइम आपका फ्रूट खाने का टाइम होता है, ग्रीन टी पीने का टाइम होता है, कुछ और चीज़ें डाइट में ऐड करने का टाइम होता है जो आपको न्यूट्रिशन दे और आपको हेल्दी रखने में हेल्प करें, ठीक है। सो जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है वो उठने के 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। सो ये होता है सबसे पहला रीज़न आपके मोटे होने का, वेट लॉस ना होने का, वेट स्टक होने का और बेली फैट होने का। दूसरा रीज़न हमारा आता है अगर आपके पीरियड्स इनरेगुलर होते हैं, ठीक है, तो ये सेकंड हमारा रीज़न हो जाता है। नंबर 3 हमारा रीज़न होता है अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, आप अच्छे से 7 से 8 घंटे की, 6-7 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारा तीसरा रीज़न आ जाता है। नींद का होना बहुत ज़रूरी है बॉडी को, अपने आप को रिपेयर करने के लिए, हमारे ऑर्गन्स को, अपने आप को अच्छे से दिन भर काम करने के लिए उन्हें एक रेस्टिंग मोड की ज़रूरत होती है, जो कि आपके सोने के बाद उन्हें मिलता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग डिनर भी बहुत लेट करते हो, वो पहले डिनर को पचाने का काम करते हैं, फिर वो अपना रेस्टिंग मोड पे जाते हैं। सो नंबर 4 हमारा रीज़न हो जाता है हमारा स्लीप। उसके बाद आता है आपका गट एरिया, जो आपका स्टमक है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। आपने खाना तो खाया है बट वो पच ही नहीं रहा है, या फिर आपने इतना हैवी खाना खा लिया है, इतना ज़्यादा खाना खा लिया है कि हेल्दी तो खाया है बट बहुत ज़्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग हो गई है, तो ठीक है, हमारा जो गट वाला एरिया है वो इतना ज़्यादा बेचारा थक चुका है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो सबसे हमें अपने गट को ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद आता है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें आप बाहर का खा रहे हैं, बेकरी आइटम्स खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, पेस्ट्री खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों को आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। कभी कभी हफ्ते में, हमने तो हफ्ते में 1 बार खाया है या 2 बार खाया है, जा तो पेट के अंदर ही रहा है ना, आपका गट पहले ही अच्छा नहीं है, ऊपर से आप मैदे वाली ऐसी चीज़ें अपने पेट के अंदर डाल रहे हो जिसको बेचारा गट जो है सहन ही नहीं कर पा रहा। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है हमारे वेट लॉस ना होने का और हमारे स्टमक वाले फैट का। उसके अलावा होता है कि हमारा टाइम पे खाना ना खाना, खाने का कोई टाइम नहीं होता। हम ब्रेकफास्ट आज हम लोग 10 बजे करेंगे, कल 8 बजे करेंगे, फिर हम 11 बजे करेंगे, फिर 10:30 बजे करेंगे, ऐसे ही लंच हो जाता है, कभी 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 4 बजे तक लोगों का लंच टाइम ही चलता रहता है। सो टाइम का एक्यूरेट ना होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। उसके अलावा हमारा एक रीज़न होता है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की थोड़ी सी भी शिकायत है तो आपका वेट कभी लॉस नहीं होगा, आपका स्टक वेट हिलेगा नहीं, आपका बेली फैट कभी भी कम नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत 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 मेजर इशू होता है आपके वेट लॉस ना होने का। सो ये हमारे कुछ रीजंस हैं। अगर तो आपके अंदर भी कोई ऐसा रीज़न है जो अभी चल रहा है, तो आप उसके लिए ये डाइट फॉलो कर सकते हैं जो मैं आपको अभी डाइट प्लान बताने वाली हूँ, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग अगर चाहें तो उसको, उनको ठीक करने के लिए अपने अकॉर्डिंग, खुद के अकॉर्डिंग कर सकते हो, जो भी आपको
ठीक लगे, ठीक है। अदरवाइज आप ये डाइट फॉलो करेंगे तो आपको ये सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। सो हम चलते हैं डाइट की तरफ। सबसे पहले हमने उठते ही हमारा क्या लेना है, फ्रेश होने के बाद एक तो आपने वेट अपना चेक करना है सबसे पहले, ठीक है। अगर बाई चांस आप मतलब फ्रेश नहीं हो पा रहे तो आपने यूरिन पास करना है और अपना वेट चेक करना है, आपका वेट कितना है, क्योंकि वेट हमेशा आपने अर्ली मॉर्निंग चेक करना है। उसके बाद कुछ भी खाने पीने के बाद वेट चेक करने का कोई मतलब नहीं होता। तो सबसे पहला हमारा काम होता है वेट चेक करना। उसके बाद आता है हमारा अर्ली मॉर्निंग का जो हमारा वाटर इनटेक होता है। अर्ली मॉर्निंग हमने क्या लेना है, अपनी डाइट में ऐड करने हैं ग्रीन जूस, जैसे कि जिसमें आप डाल सकते हो घिया डाल सकते हो, सफ़ेद वाला पेठा डाल सकते हो, आंवला डाल सकते हो, खीरा डाल सकते हो, पुदीना, मिंट, लेमन, इन सब चीज़ों को ऐड करके आप एक ग्रीन जूस बना सकते हो। ग्रीन जूस क्या काम करता है, एक तो उसके अंदर बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिल जाते हैं जो आपकी स्किन के सेल्स पे बहुत अच्छा वर्क करते हैं। ग्रीन जूस आपके गट एरिया को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है, डिटॉक्स करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। सो आप ग्रीन जूस अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहले तो एक ग्रीन जूस पियेंगे हम लोग, ठीक है, अल्टरनेटिव डेज पे लेंगे। उसके बाद हमारा आता है लेमन, लेमन वाला ल्यूक वॉर्म वाटर में आपने लेमन स्क्वीज करना है और आपने वो वाला पानी लेना है। आप इसको अल्टरनेटिव डेज पे ले सकते हो, एक दिन ग्रीन जूस एंड एक दिन आपका लेमन वाटर, ठीक है, वन वीक के लिए आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद आता है हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हम लोग करेंगे हाई प्रोटीन, क्योंकि हमारे मसल्स को गेन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें प्रोटीन की अच्छी ज़रूरत है, फाइबर की अच्छी ज़रूरत है, तो हम ब्रेकफास्ट करेंगे हाई प्रोटीन वाला। आप चाहें तो आप हाई प्रोटीन सैंडविच ले सकते हैं, जैसे कि पनीर का सैंडविच, उसमें आप खीरा, टमाटर, प्याज, काली मिर्च, इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, और घर की बनी हुई ग्रीन चटनी। मेक श्योर कोई भी मेयोनी आप यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी रेड सॉस, कोई भी ग्रीन सॉस, कुछ भी बाहर की कोई भी चटनी और सॉसेज आप अपनी किसी भी डाइट में, किसी भी फूड में, किसी भी टाइम पे ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। सैंडविचेस के लिए आप पनीर, टोफू लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोग, आप लोग चने का सलाद ले सकते हो, जैसे कि बॉयल्ड चने होते हैं, ठीक है। मेरे पास जो भी मैंने रेसिपीज पोस्ट की हुई है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। ब्लैक चने का सलाद, ब्लैक चने के को आप मैश करके उसके सैंडविचेस ले सकते हो, या फिर आप हमारा व्हाइट वाले जो हमारे चने होते हैं उसके सैंडविचेस ले सकते हो, तो ये आपने, या फिर आप पनीर का सैंडविच ले सकते हो, ठीक है। सो ये हमारे चार सैंडविच हो गए हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, पनीर स्टफ आप रोटी भी ले सकते हो, आप स्प्राउट स्टफ्ड रोटी ले सकते हो, ठीक है। कितनी सारी ऑप्शंस हो गई हैं। अगर वो भी आपको नहीं लेना तो आप हाई प्रोटीन दलिया ले सकते हो। दलिया आप मिलेट्स का अगर बनाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। मिलेट का दलिया आप लीजिए, उसके अंदर खूब सारी आपने सब्जियाँ डालनी हैं, खूब सारी सब्जियों में हमारी शिमला मिर्च आती है तीनों तरीके की, उसके अलावा हमारा हमारे ऑनियन है, हमारी टोमेटो है, हमारी फ्रांस बीन्स जो हमारी होती हैं, हमारी कैरेट, हमारी हमारी कैरेट और हमारे मटर, ये सारी सब्जियों को आपने ऐड करके, अगर गोभी, ब्रोकली आप ऐड कर सकें तो आप वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा हाई प्रोटीन हाई फाइबर रिच हमारा दलिया, जो कि आपको वेट लॉस में बहुत अच्छी हेल्प करेगा और स्टक वेट को हटाने में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी मिड मॉर्निंग। मिड मॉर्निंग का टाइम होता है 11 से 11:30 बजे, 10:30 से 11:30 बजे के बीच में। सो मिड मॉर्निंग में आपने क्या लेना है, मिड मॉर्निंग में आप कोई भी ग्रीन टी ले सकते हो, कोई भी फ्लेवर्ड ग्रीन टी जो भी आपके पास अवेलेबल हो, अपने बजट के अनुसार कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक ग्रीन टी खरीद के रखिए जो आपके बजट फ्रेंडली हो, आप उस टी को, ग्रीन टी को, कोई भी ग्रीन टी आप एक कप ले सकते हैं। साथ में आप थोड़े से कोई भी फ्रूट ले सकते हो और फ्रूट के ऊपर आप डाल सकते हो पम्पकिन सीड्स एंड हमारे सनफ्लावर सीड्स को, जैसे आपने पपाया कट किया है आप उसके ऊपर डाल सकते हो, ऑरेंज कट किया है आप उसके ऊपर डाल सकते हो। अगर आप मिड मॉर्निंग में ऑरेंज खाते हो तो जो ऑरेंज का छिलका होता है ना उसको आपने फेंकना नहीं है, उसको आपने एक टोकरी में डाल के धो के रख देना है, सुखा, वो सूख जाएगा शाम तक, ठीक है। तो हम उसको इवनिंग में यूज करेंगे। सो उसके अलावा फ्लैक्स सीड भी डाल सकते हो अपने फ्रूट के ऊपर, जो आपको हेल्दी फैट देगा, आपके गट के लिए बहुत अच्छा होगा, आपको, आपकी स्किन को नरिश करने में हेल्प करेगा, आपके हेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं हमारे फ्लैक्स सीड वगैरह, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा लंच टाइम। लंच में हम लोग क्या लेंगे, लंच में आपने फिर से हम थोड़ा प्रोटीन रिच लेंगे, जैसे कि ओट्स। ओट्स में अच्छा प्रोटीन होता है, अच्छा फाइबर होता है, आप ले सकते हैं ओट्स की। आप पुडिंग ले सकते हो, अगर आपको ओट्स की, ओट्स और चिया सीड्स की पुडिंग आपको अच्छी लगती है तो आप वो ले सकते हो। अगर आपको वो नहीं खाना, कुछ मसाले वाला खाने का मन है तो आप लोग क्या ले सकते हो, आप लोग ले सकते हो मसाले वाले ओट्स,
आप ओट्स का चीला भी बना सकते हो, आप ओट्स की खिचड़ी भी बना सकते हो, ओट्स का उपमा भी बना सकते हो, ठीक है, ओट्स में दाल डाल के उसका दलिया भी बना सकते हो, ठीक है, खिचड़ी में भी आप दाल ऐड कर सकते हो। सो ये सारी ऑप्शंस हो गई हैं हमारी लंच के लिए। अगर आपका स्टमक फुल है, पेट फुल है, आपको कम खाने का मन है, तो आप कोल्ड कॉफ़ी ले सकते हो, जो कि एक बहुत ही हेल्दी और वेट लॉस वाली कोल्ड कॉफ़ी मैं चैनल पे पोस्ट करने वाली हूँ एक दो दिन में, ठीक है। सो वो वाली आप कोल्ड कॉफ़ीज ले सकते हो। उसके अलावा आप कोई भी टिक्की बना सकते हो, अगर आपने अपने चने बनाए हुए थे तो चने की टिक्की बना सकते हो, ओट्स की टिक्की बना सकते हो, उस टिक्कियों में भी आप बहुत सारे वेजिटेबल डाल सकते हो। जो भी मेरे पास रेसिपीज हैं मेरे चैनल पे, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर ऐड कर दूंगी। उसके बाद आता है हमारा इवनिंग टी का टाइम। इवनिंग टी में हम क्या लेंगे, जो ऑरेंज का पील हमने बचा के रखा था ना, ऑरेंज के पील को हम लोग डालेंगे, हमारा एक पानी के गिलास लेके एक पतीली में उसमें ऑरेंज के पील डालेंगे, साथ में आप अदरक का पील डाल सकते हो, ठीक है। उसको अच्छे से आपने बॉयल करना है और वो वाला आपने पानी पीना है, वो आपकी ग्रीन टी बन गई है, पील ग्रीन टी, पील वाली टी, ठीक है। उसके साथ में आप रोस्टेड चने ले सकते हो, रोस्टेड मखाने ले सकते हो, रोस्टेड पीनट्स ले सकते हो, या फिर रोस्टेड मुरमुरा ले सकते हो। आप इनको अल्टरनेटिव डेज पे ले सकते हो, ठीक है, जैसे भी आपको ठीक लगे। और कोशिश कीजिए जो पीनट्स और हमारे जो भुने हुए चने होते हैं उसमें सॉल्ट ना हो, क्योंकि सॉल्ट का इंटेक हमने मील टाइम पे रखना है, जितना हो सके वेट लॉस के लिए सॉल्ट का इंटेक, जैसे जैसे इवनिंग के बाद नाइट आएगी हमें सॉल्ट कम करना है, बढ़ाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिनर टाइम। डिनर में अगर आप मीठा खाने का, मीठे की क्रेविंग्स होती हैं, तो आप शीरा ले सकते हो, बेसन का शीरा ले सकते हो, रागी का शीरा ले सकते हो, ठीक है, सूजी का शीरा ले सकते हो। आपने उसको हलवा नहीं बनाना है बिल्कुल, जो थिक हो जाता है, आपने उसको थोड़ा सा पतला पतला, जो शीरा होता है वो लिक्विड वाली कंसिस्टेंसी में होता है, तो आपने वो वाला लेना है। उसके अलावा आप ओट्स और कोकोनट की स्मूदी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको वो नहीं खाना है, कुछ नमक वाली चीज़ है, तो लाइट में आप सूप ले सकते हो। सूप्स में आप रागी का सूप ले सकते हो, टोमेटो का सूप ले सकते हो, घी या बीटरूट का सूप ले सकते हो, पम्पकिन का सूप ले सकते हो। सो ये सारे सूप आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा नाइट ड्रिंक। नाइट ड्रिंक में आप एक चम्मच त्रिफला का शॉट लेंगे, ल्यूक वार्म वाटर में आधा चम्मच त्रिफला डालेंगे और उसको अच्छे से घोलेंगे और पी के सो जाएंगे, जिससे सुबह आपका पेट अच्छे से क्लियर भी होगा, कॉन्स्टिपेशन अगर आपको हल्का फुल्का रहता है वो भी ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं लेना है तो आप रात को सोने से पहले एक ल्यूक वार्म वाटर में हल्का सा लेमन डाल के ले सकते हो, अगर आपको ये नहीं लेना हो। अगर वो भी आपको ना लेना हो तो आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल लीजिए, जो आपके घर में पेड़ लगा हुआ है उसमें से थोड़ा सा एलोवेरा डालिए, मिक्सी के जग में थोड़ा सा पानी डालिए, उसको अच्छे से चलाइए और आप उस पानी को पी सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं, आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छी हैं, आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, आपके स्टमक के फैट के लिए बहुत अच्छी हैं। ये वाली डाइट में आप बिल्कुल, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, आपका एक हफ्ते में 1 से 2 किलो वेट भी जा सकता है, ठीक है। सो आपने इसके अलावा चाय नहीं लेनी है, बेकरी की चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है, नींद अच्छे से लेनी है। तो जो चीज़ें आप नहीं कर रहे हो उन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से करना है, ताकि आपका, आपकी बॉडी पे एक अच्छा सा असर हो सके, इफेक्ट पड़ सके, आपकी स्किन ग्लो कर सके। सो अगर आपको डाइट प्लान मुझसे चाहिए हो, पर्सनलाइज डाइट प्लान मैं देती हूँ, अगर आपको चाहिए हो तो स्क्रीन पे जो भी नंबर आपको शेयर हो रहा है आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, उस पर कॉल नहीं होगा, आप उस पर व्हाट्सअप करके मुझसे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप से आप मैसेज से आप मुझसे डाइट प्लान ले सकते हो, ठीक है, आपकी क्वेरीज को मैं पर्सनली रिजॉल्व करूँगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और डाइट प्लान के साथ।